हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर बग्गा किचन। और मैं हूँ सुमित। आज हम लोगों ने बनाए हैं क्रिस्पी बेबी कॉर्न। ये इसे आप क्रिस्पी बेबी कॉर्न भी बोल सकते हो, इसे आप कुरकुरे बेबी कॉर्न भी बोल सकते हो, मतलब जो भी है। साफ सी बात है कि अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी है और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रंची है। तो चलिए फटाफट इसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले ले, बाउल के अंदर में 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डालते हैं, 1/4 कप ही मैदा भी डालते हैं, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर का पाउडर डालना है, 1/2 teaspoon गरम मसाला डालना है, 1 teaspoon चाट मसाला डालना है, 1 teaspoon ही सॉल्ट डालना है, 1 teaspoon ही कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी 1 teaspoon इसके अंदर में हमने डालना है। ठीक है, सभी इंग्रेडिएंट्स जो भी इसके अंदर में यूज़ हुए हैं, हर एक चीज़ का मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लेना। 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी अभी मैं ले रहा हूँ, 1/2 कप से थोड़ा सा कम, और अच्छे से हमने इसे मिक्स कर देना है। ये जो हैंड मिक्सर होता है ना, या विस्कर या एग बीटर, उसके साथ में इसे मैं मिक्स कर रहा हूँ। उसके साथ में ना लम्स नहीं फिर रह जाते, चम्मच के साथ में लम्स रहते हैं। अच्छे से इसे मैंने मिक्स किया और 1 चम्मच और इसके अंदर में मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। अभी भी गाढ़ा ही है, अब देख सकते हो अभी ये कैसा है, मतलब ठीक है। अब लेते हैं अपनी बेबी कॉर्न। एबिस ब्रांड की है ये। ये जो बेबी कॉर्न होती है ना, ये डब्बे वाली, ये ना पहले से ही थोड़ी सी स्टीम की होती है। तो अगर मैं कच्ची बेबी कॉर्न अगर ख़रीदता ना सब्जी मार्केट से, तो उसे पहले मैं बॉयल करता या उसे स्टीम करता, लेकिन इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे डब्बे से निकालो, ये देखो स्टीम्ड है, आप इसे अब जाके वॉश कर लो। एक बार वॉशिंग कर लो, थोड़ा डब्बे में पैक है ना। वॉशिंग करने के बाद में हमने इसकी कटिंग करनी है, बस 2 हिस्सों में इसे हमने काट देना है। हो गया, आराम से अपनी कटिंग कर ले। अब तो देख ही रहे हो मैं कैसे काट रहा हूँ, बस आप भी वैसे ही काट लो। अब हमारी बेबी कॉर्न तो अच्छे से कट चुकी है, अब चलते हैं इसे क्रंची बनाने। जी हाँ, कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं, लगभग 2 कप है। अच्छे से इसका अब हमने चूरा बना लेना है, मतलब बिल्कुल ही चूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा खड़ा रहना चाहिए। खैर, बिल्कुल चूरा तो आप हाथ से बना भी नहीं सकते हो। अब ये देखो, इसका मैंने इतना चूरा बना दिया कि 2 कप का 1 कप बन गया है, पर कोई बात नहीं है, हमारा यूज़ हो जाएगा। अब ये देखो बैटर इसके ऊपर में हमने कैसा लग रहा है, मतलब हमारा बैटर कितना ज़्यादा अच्छा बना है, गाढ़ा बना है, कि आराम से बेबी कॉर्न को इसने कोट कर दिया। ये देखो आराम से अब हमारी बेबी कॉर्न पूरी तरीके से कोटेड है। अब इसमें डाल देते हैं कॉर्नफ्लेक्स वाले पतीले में, और दूसरे हाथ से एक बार पतीले को हिलाते हैं, दूसरे हाथ से इसे निकालेंगे। एक हाथ अगर आपने अपना गंदा कर लिया है, तो दूसरे वाले हाथ को साफ रखना कॉर्नफ्लेक्स में से निकालने के लिए। अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया है, बस बैटर के अंदर में एक बार अपनी बेबी कॉर्न को मिक्स करें और कॉर्नफ्लेक्स के अंदर में भी इसे मिक्स करें। कितने आराम से हो गया अपना काम, बस ऐसे ही करके बना लो। ये मैंने ढेर सारी बनाई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ढेर सारी बनाई है, पर उतनी है जितनी मैंने अभी आपको दिखाई है। अब हमने ऑयल लेना है, मीडियम हॉट पे अपने ऑयल को रखें, ठीक है, और उसके बाद में अपने बेबी कॉर्न्स को डाल देते हैं। मीडियम, बस अपनी गैस की फ्लेम को कर दें, मीडियम हॉट ही आपका ऑयल होना चाहिए। ऑयल थोड़ा सा कम गर्म भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीडियम ही रखना है, और अच्छे से इसे थोड़ा थोड़ा उलट पुलट के पका लें। वैसे ज़्यादा इसके साथ में पंगे मत लेना,
मतलब ज़्यादा इसे उलटना पुलटना नहीं है, नहीं तो फिर आपका अच्छा नहीं बन पाएगा, फिर खराब हो जाएगा ना कॉन्फ्लिक्ट, फिर उतर जाएंगे। बस जैसे मैंने अभी हिलाया ना प्यार से, बस वैसे ही इसे आपने हिलाना है। गोल्डन ब्राउन होने का इसका वेट करेंगे, उसके बाद में इसे निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन अब हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। सबको पता है स्वीट कॉर्न का नाम स्वीट कॉर्न क्यों है, क्यों? वैसे तो ये बेबी कॉर्न है, बेबी कॉर्न मतलब ना स्वीट होती है, तो ये स्वीट इसलिए होती है क्योंकि भैया ये होती है स्वीट। तो फिर मेरा मतलब कहने का मतलब है कि ये जो रेसिपी है बाहर से आपको नमकीन लगेगी, अंदर से जब आप बेबी कॉर्न को खाओगे ना तो आपको थोड़ा सा मिठास आएगी बेबी कॉर्न की। अब ये देख लो कैसी है, बढ़िया लगी ये रेसिपी तो कर दो सब्सक्राइब, कर दो शेयर वीडियो को, कर दो लाइक, जो भी वो होते हैं ना वो सब कर दो यार, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना।